आज मैं एक धमाकेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। बहुत ही मस्त देसी रेसिपी है। तो आपको करना क्या है, गाजर ले लेना है। यहाँ पे मैंने हमारे खेतों में ही हो रखा था ये गाजर, तो खेतों से गाजर ले आए। गाजर को मैंने अच्छे से इधर वॉश कर लिया है दो तीन बार। वॉश करने के बाद फिर मैं इसे काट लूँगी। एक एक करके सारा मैं काटूंगी। थोड़ा सा टाइम लग गया था काटने में, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में लग गया था है। इसके बाद मैंने छील लिए काफ़ी सारे गाजर, तो एक मैं खा के भी देख रही थी, ये देखो मैंने छील लिए। इसे बारीक बारीक करके मैं काट लूंगी। काटने के बाद इससे मैंने दो रेसिपी बनाई है। दूसरा सेकेंड पार्ट मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं फर्स्ट पार्ट लाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके तड़के के लिए प्याज और अदरक टमाटर काट लिए, उसके साथ एक हरी मिर्च भी डाल दी और एक आधा लहसुन। इसे मैंने पेस्ट बना लिया है। और मटर हमारा बाद में आया था, तो अभी मैं इसे मटर को छील के उसके अंदर डाल देती हूँ, फिर एक बार और वॉश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई जला ली है, आग जला ली है, कढ़ाई बिठा दी है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। सिंपल, आपको शुरू में सिंपल सा ही लगेगा कि ये तो हम बना के खाते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन लास्ट में आपको पता लगेगा कि मैंने कैसे बनाया। तो आपको देखना ऐसे बारीक बारीक करके काटते हैं गाजर को। गाजर को ऐसे काट के फिर अच्छे से फ्राई कर लेना है। 50% फ्राई तो कर ही लेना है। ये हाफ गल जाए और हाफ मसाले के साथ बाद में होगा, ऐसा फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा फ्राई करने के बाद नमक, हल्दी, बस यही डालूँगी अभी, नमक और हल्दी। इसके साथ और 2 मिनट इसे फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा उलटना पलटना, अच्छा देख सकते हो लगभग हो ही गया। अब मैं इसे बीच में से जगह बना रही हूँ, इसमें और तेल डलेगा। आप चाहो तो अगर तेल कम खाते हो तो ना भी डालो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने तेल डाला है थोड़ा सा। और आप ये मत सोचना कि तेल की कच्ची स्मेल आएगी, नहीं, तेल को हम अच्छे से पका लेंगे इसके बीच में। तभी मैंने जगह बीच में से खाली किया था। तो अब जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था, ये देख सकते हो, टमाटर प्याज, मैंने लहसुन नहीं डाला है। हाँ डाला था उसमें बहुत भी, वैसे आप वीडियो में पीछे एक बार देख लेना। लहसुन में मुझे नहीं लगता मैंने डाला है। तो यहाँ पे मैंने अब मसाले के साथ 2 मिनट और इसे फ्राई करूँगी। इसमें एक बूंद भी आप पानी मत देना बस सब्जी में, कि गल जाएगा जल्दी या कुछ, नहीं पानी बिल्कुल भी मत देना, यदि आपको खाने में स्वाद आएगा। फिर मैंने इसे अच्छे से इधर उधर पलटाया उलटाया बनाया। ये देखो दूसरा रेसिपी मेरा थोड़ा सा तैयार हो रहा है, लेकिन मैं इसका कल बताऊंगी, कल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमारा रेसिपी बनके तैयार है। अब मैं जा रही हूँ खाने, आप लोग भी आ जाओ।